हेलो एवरीवन, रेशमास टेस्टी फूड में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर ब्रेड पिज्ज़ा सैंडविच। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, बिना ओवन के, बिना तेल के और इंस्टेंट बनने वाला ये ब्रेकफास्ट, या आप इसे स्नैक भी कहे, स्नैक के टाइम पर भी खा सकते हो। तो इस टेस्टी रेसिपी को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउल में चॉप किए हुए कैप्सिकम लिए हैं, यानी कि जो गोल वाली मिर्ची होती है उसे मैंने चॉप किया है, टमाटर लिया है और पनीर को भी मैंने कद्दूकस करके लिया है। तो ये पनीर है, आप इसमें प्याज भी डाल सकते हो। और यहाँ पर मैंने मोजरेला चीज़ लिया है। तो ये सब मैंने हाफ कप की क्वांटिटी से लिया है, आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी ले सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे सॉस। तो यहाँ पर मैंने टमाटो सॉस डाला है एक टेबलस्पून इतना, और इसी में मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला है दो टेबलस्पून इतना। इसे भी अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको सब्जियाँ बहुत ही फाइन चॉप करके लेनी है। तो सॉस इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जैसे कि हम पनीर ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप इसमें ऑलिव भी डाल सकते हो, मुझे बहुत लेट ध्यान में आया। ऑलिव को भी आपको फाइन चॉप करके ही इसमें डालना है। यहाँ पर मैंने डाला है ओरिगैनो हाफ टी एस पी इतना। ओरिगैनो के बाद मैंने हाफ टी एस पी इतना चिली फ्लेक्स डाला है और उसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा स्टफिंग रेडी है। अब ये रहे हमारे ब्रेड। तो ब्रेड की जो साइड से आप इसे कट भी कर सकते हो, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसे ऐसे ही लिया है। तो इस तरह हमें स्टफिंग भरना है। आप इसे इसके दो पीसेस कट कर सकते हो, चार पीसेस कट करके क्यूब की तरह भी आप इसे खा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्रेड को पूरा ही रखा है और इसके ऊपर हमें रख देना है इस तरह से ब्रेड, जैसे कि हम रेगुलर सैंडविच बनाते हैं। तो इसी तरह मैं सारे ब्रेड्स में स्टफिंग भर के रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर हमारे 5 सैंडविच रेडी है। अब इसे हम पैन पे फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में डाला है बटर। बटर से जो ब्रेड होते हैं बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, इसलिए आप भी बटर यूज़ कीजिए। और इस तरह से हमें रखने हैं ये सैंडविच। जब हम इसे पलटी करेंगे तो फिर से हमें पैन पर बटर डालना है। और 5 मिनट के बाद मैंने इसे पलट कर रख दिया था। तो बिना ओवन के आप इस तरह भी सैंडविच बना सकते हो। और 5 मिनट के बाद आप इसे इस तरह से ढककर भी रखिए। तो यहाँ पर हमारे सैंडविच रेडी है। अब इसके हम दो पीसेस कट करते हैं। अब हम इसे करते हैं गार्निश। इसे कट करने के बाद, इस तरह से रखने के बाद, इसके बीच बीच में मैंने टोमेटो की स्लाइस और ऑनियन की स्लाइस भी रख दिए हैं। टोमेटो और ऑनियन को रखने के बाद इसके ऊपर जो प्रोसेस चीज़ क्यूब मिलते हैं 15 या 20 रुपये में, उसे मैंने ग्रेट करके डाला है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा पनीर ब्रेड पिज्ज़ा सैंडविच रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।